खुशी का क्षण आ गया। आज यानी 20 अगस्त 2020 इतिहास के पन्नों में यह अक्षर या तारीख दर्ज हो गई है, जिसको लेकर भागलपुर में भी देख सकते हैं भगवान श्री राम के ये भक्त हैं, भगवान भोले भगवान श्री राम को चाहने वाले हैं और इनका जो है खुशी का ठिकाना नहीं है। आज बता दें कि अयोध्या में भगवान श्री राम मंदिर का भूमि पूजन और शुभारंभ समारोह के आयोजन के बाद भागलपुर में भी खुशी का ठिकाना नहीं है। श्री राम के भक्त जो हैं वो हमारे साथ हैं और इनसे हम जानना चाहिए कोई बात करने की कोशिश करेंगे। एक लंबे अरसे के बाद आखिरकार श्री राम प्रभु राम के चाहने वालों के लिए भक्तों के लिए आज खुशी का दिन आ ही गया। देखिए आप सबसे पहले आज हमारे इष्ट प्रभु राम के लिए आप हमसे कुछ दो शब्द पूछना चाहते हैं तो हम आपको सफेद से भगवा में करना चाहते हैं। भगवान राम के भगवान राम की जो विश्व गाथा में है वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का आज भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। भागलपुर में आप देख सकते हैं कि युवाओं हो चाहे वो किसी भी तबके के लोग हों, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग, श्री राम की आस्था, श्री राम पर आस्था रखने वाले लोग आज अति उत्साहित हैं। हमारे अंदर ये एक इस ऐसी खुशी का आज संचार हुआ है जो हमारे पूर्वज नहीं देख पाए। आज के दिन मैं वैसे विश्व हिंदू परिषद और के लोगों को जो 500 वर्षों तक भगवान श्री राम के मंदिर बनने की लड़ाई लड़ रहे थे, वैसे सभी मैं युग पुरुषों को नमन करता हूं, उनको याद करता हूं और आज मैं यही कहना चाहता हूं कि हम सौभाग्यशाली हैं जो हमारी आंखों के सामने आज राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ना जाने कितने लोगों ने अपनी प्राण की आहुति देने के बाद भी राम मंदिर का निर्माण आज जो हो रहा है उन सबों की देन से हो रहा है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज राम मंदिर का भव्य भूमि पूजन हुआ है। हम सभी को राम मंदिर निर्माण की ढेर सारी बधाई और शुभकामना देते हैं। अश्वनी जोशी मोंटी, भागलपुर। इस ऐतिहासिक क्षण का लाखों लोग लाखों राम भक्त गवा रहे हैं और भागलपुर के भी ये राम भक्त गवा रहे हैं। आप इस ऐतिहासिक क्षण के गवा रहे हैं लेकिन आपके जो पूर्वज हैं उन्होंने भी बरसों इंतजार किया है और आप लोगों ने भी बरसों इंतजार किया है लेकिन आपके पूर्वज को ये क्षण ये ऐतिहासिक पल देखने के लिए नसीब नहीं हुआ लेकिन आप लोग इसके गवा रहे हैं तो खुशी तो होगी ही। देखिए बात ऐसा है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम 14 वर्ष के वनवास के बाद रावण के को हराने के बाद जब अयोध्या लौट रहे थे तो उस समय आकाश में बैठे सातों सारे देवता 36 करोड़ देवी देवता उस दृश्य को निहार रहे थे, वैसे ही जो जिन जिन महापुरुषों की आहुति इस राम मंदिर निर्माण में हुई है, जो जो व्यक्ति की प्राणों की आहुति हुई है उसकी उनकी दिगंबर आत्मा इस क्षण को देख रही है और हम ऐसी पीढ़ी के लोग हैं, हम उस युवा पीढ़ी के लोग हैं जो हमारा सामने वो सपना साकार हुआ है। हम गौरवशाली क्षण को नमन करते हैं और यह ऐतिहासिक क्षण के लिए आज जो यह मंदिर का निर्माण हो रहा है, मुझे लगता है आप अभी हम लोग टीवी देख रहे थे उसमें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, संघ के हमारे संघ चालक मोहन भागवत जी, जो विधिवत पूजा हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा था, इस आपदा की घड़ी में भी जो ये 15 सेकेंड का जो क्षण आया, जो शुभ मुहूर्त था, उस शुभ मुहूर्त में श्री राम लला की का मंदिर के स्थापना हो रही है। आज पूरा देश खुश है और सभी लोग खुश हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। ये एक और राम भक्त हैं, काफी सुंदर गेटअप है, पूरा भगवा में हुए हैं, कितनी खुशी हुई आपको आज? बहुत खुशी हुई, इससे ज्यादा खुशी हो नहीं सकती है। नरेंद्र मोदी जी को लाख लाख बधाई दे सकते हैं कि जिन्होंने हम लोग का सपना साकार किया। आज 500 वर्षों से जो हमारे राम मंदिर के लिए लड़ाई हो रही थी, आज उन्होंने हमारा सपना साकार किया, इसके लिए खुशी का बयान नहीं है, शब्द नहीं है। कितनी खुशी है, पूरा भगवा में बहुत खुशी है, हम साक्षी बने इस बड़े उत्सव का, हमें बहुत खुशी है। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन जो है जो भी नेता हैं आज प्रभु श्री राम के मंदिर पूजन में पहुंचे हैं, वैसे नेताओं को वैसे लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से सीख लेने की जरूरत है।